बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी जी। सबसे पहले इस मंच को मेरा प्रणाम और एक विनती करना चाहते हैं आप लोग से, साइड में जो भाई लोग खड़े हैं आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, गेस्ट को बैठने में दिक्कत हो रहा है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं थोड़ा आप लोग साइड हो जाइए। आज इस ऐतिहासिक सम्मेलन में उपस्थित हमारे उद्घाटनकर्ता सह मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री बिहार सरकार आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, कुलपति बिहार साइंस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एस एन सिन्हा सर, और यहाँ हमारे पैरा मेडिकल एसोसिएशन के पेट्रोल सर, पूर्व अधीक्षक पीएमसीएच पटना डॉक्टर विमल कारक सर, यहाँ उपस्थित डॉक्टर सुदामा सर एचओडी एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट पीएमसीएच, हमारे पैरा मेडिकल एसोसिएशन के मेंटर डॉक्टर नीतीश कुमार जी, और इसी मंच पे उपस्थित हमारे कई गणमान्य सीनियर, हमारे एडवाइजरी सलाहकार परिषद के सदस्य, हमारे पैरा मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भाई भारत भूषण, और हमारे पैरा मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष लकी सिन्हा, दिग्विजय सिंह कोषाध्यक्ष, आशुतोष नंदन संगठन प्रभारी कृष्णा कुमार, सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार करते हुए मैं सर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज हमारे बीच स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी आए हैं, इनके लिए पूरे पैरा मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से जोरदार स्वागत होना चाहिए। हम लोग के लिए ये बड़ी गर्व की बात है और सम्मानित होने की बात है कि आज हम लोग इस मंच पे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी आए हैं, इनका दिल से आभार प्रकट करते हैं हम सभी पैरा मेडिकल एसोसिएशन के छात्र छात्राएं पूरे बिहार के साथ ही। सर आपका आभार प्रकट करते हुए मैं सर एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने सर जो पैरा मेडिकल के इतिहास में किया है आज तक किसी मंत्री ने भी नहीं किया है, नहीं सोचा है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सर आप ही के निधन में पैरा मेडिकल का कौनसिल का कैबिनेट पास हुआ है, ये हम लोग के गर्व की बात है, इसके लिए हम लोग को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। सर आप ही के निधन में जो पीएमआई इंस्टीट्यूट है, जो पैरा मेडिकल का जो कॉलेज है उसमें पीजी का पढ़ाई नहीं हो रहा था, हम लोगों ने प्रतिनिधि ने सर के पास अपना मत रखा था, सर ने आश्वासन दिया कि तुम लोगों का जितना भी फ्यूचर लेक्चर प्रोफेसर होगा सब बहाली किया जाएगा, और सर ने स्वीकृति दे दी है दो सप्ताह पहले, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए सर के लिए। और सर आपसे विनती पूर्वक भी कहना चाहते हैं सर, और आदर पूर्वक सब कह रहे हैं कि सभी पैरा मेडिकल कर्मचारियों के लिए जॉब कार्ड बनाया जाए जिसमें कि सभी अस्पताल में सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके, जो कि सभी भारत सरकार के अस्पतालों के पहले से भी बनाया हुआ है। महोदय बिहार के जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके एवं सरकार के उत्कृष्ट कार्यों में पूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हो, इस क्रम में आपका ध्यान बिहार के सभी राज्य के सदर अस्पताल एवं पैरा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू एवं एनआईसीयू को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे राज्य में आईसीयू टेक्नीशियन ओटी टेक्नीशियन की सीट सक्षम नहीं है, जिस कारण से वेंटिलेशन को पूर्ण रूप से संचालित एवं उसका रख रखाव नहीं हो पा रहा है, जबकि
भारत सरकार के सभी अस्पतालों और राज्य सरकार में इस काम को की टेक्नोलॉजी से देखते हैं, जिसका सीट आईसीयू के लिए राउंड ऑफ क्लॉक अलग से सेक्शन होता है। महाशय, बिहार के जनता को बजट बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुविधा मिल सके एवं सिद्धित मरीज के वेंटिलेशन की जरूरत पड़े, पटना में ही आना पड़े, आईसीयू का सीट अलग से सेक्शन का हो, टेक्नोलॉजिस्ट का एनआईसीयू में पदस्थित किया जाए, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। और सर, ये रिक्वेस्ट भी बोले हैं सर, और सर लास्ट अंत में एक सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, 2022 में ओटीएस स्टैंड एक्सरे टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन का सब जो बहाली आया था, आप ही के रीजन में विद्यार्थी के हित में देखते हुए आपने रोजगार दिया था 2022 में, मगर इसी बीच में अल्टमत की सरकार बनी और विद्यार्थी के साथ ठगने का काम किया, विद्यार्थी को धोखा देने का काम किया और उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। सर, आपका फिर सरकार बना और सर स्वास्थ्य मंत्री आप बने हैं, आपसे सर विनती है कि सर जो बहाली 2022 में आपने लाए थे उस बहाली को पूर्ण रूप से सर बहाल किया जाए और रोजगार सृजन किया जाए, इसके लिए सर हम आपका आभार प्रकट करते हैं और पूरे पारा मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देते हुए सर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय मेरा मेडिकल, जय सुशील।